हेलो फ्रेंड्स, मल्टी टैलेंट वीडियो में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डिज़ाइन है, ये देखिए स्क्रीन पे जो डिज़ाइन आपको दिख रही है, सिर्फ ये जो शेप्स हमने क्रिएट किया है, ये किस तरह से आप करेंगे। छोटा सा ट्यूटोरियल है, छोटा सा वीडियो है, जिसमें मैं आपको ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि फ्रेंड्स कि ये हमने एक फाइल बनाई है, मान लीजिए कि ये हमने एक 12-18 कोई भी साइज का आप ने एक न्यू टेम्पलेट बना लिया है। इस पे आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। ये रेक्टेंगल है, शिफ्ट के साथ में ड्रैग करेंगे रेक्टेंगल को। ये मैंने इतना रेक्टेंगल इसको शिफ्ट के साथ में चेंज कर लिया। देखिए, रेक्टेंगल जैसे ही आप करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। प्रॉपर्टी जैसे ओपन होगी तो यहाँ पे इसकी जो राउंडेड शेप है, ये कोना, ये कोना, ये कोने हैं, चारों कोने आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले रेक्टेंगल के। तो देखिए, ये जो लॉक यहाँ पे लगा हुआ होता है, इस टाइप से लॉक लगा हुआ होता है, इसको आपको ओपन कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 550 लिखना है और यहाँ पे आपको 550 लिखना है, ठीक है। ये देखिए, ये रेक्टेंगल इस टाइप से चेंज हो गया, ओके कर दिया, ठीक है। ज़्यादा लग रहा है आपको, कम लग रहा है तो इसको आप कम भी कर सकते हो। 400 कर दिया मैंने और यहाँ पे मैंने 400 कर दिया। ये देखिए, कम हो गया। जितना कम आप ज़्यादा करेंगे, उतना कम आपका डिज़ाइन क्रिएट, अलग अलग स्टाइल से डिज़ाइन क्रिएट होता चला जाएगा। ये देखिए, ठीक है, मैंने 350 कर दिया है। कंट्रोल टी करके इसको हमने क्या किया कि एक नया लेयर यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर इसको छोड़ दिया हमने, ठीक है। और कंट्रोल इसी का डुप्लीकेट बना के कंट्रोल टी किया मैंने, और ये एक डिज़ाइन तो आपका इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, ये शेप्स मैंने यहाँ पे लगा दी है। ये देखिए, दोनों जो शेप्स हैं, दोनों का शेप्स का जो मेजर है, मेजरमेंट है बीच का, ये देखिए, ये आपको कर लेना है। ये मैंने कर लिया, कंट्रोल टी करके इसको आपको चेंज कर देना है। ये देखिए, कंट्रोल टी करके इसको जैसे मैंने चेंज किया, ये पूरा चेंज हो गया। ये यहाँ पे, ये देखिए, अब इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे इस वाले डिज़ाइन में आप लेके जाना है तो ये देखिए, ये सेम इसी टाइप का डिज़ाइन आपका क्रिएट हो गया। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो भी चेंजेज आप करेंगे वो चेंजेज होते चले जाएंगे और अलग अलग टाइप से आप ये इस टाइप की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मल्टी टैलेंट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और PhD बैकग्राउंड अगर आपको ख़रीदने हैं तो हमने अभी बताया था कि ऑफर हमारे चलते हैं, तो ऑफर के अंदर आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।